हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट बना के कैसे अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी कैटेगरी में जब वीडियो बनाते हैं तो आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। और अगर आप मैनेज करके एक प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे जिस कैटेगरी का वो वीडियो है, जैसे आप सपोज करो कोई यूट्यूबर बिगिनर्स के लिए कोई वीडियोज बनाते हैं और उस कैटेगरी की सारी वीडियोज एक ही प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे, तो आपके जो व्यूवर्स होगा और आपके लिए वीडियोज को मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और आपके जो व्यूवर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये इससे आपके चैनल की ग्रोथ होगी बहुत ज़्यादा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने YouTube एप्लीकेशन में आना है, यहाँ पर अपने चैनल को लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद व्यू चैनल में चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना है वीडियोज़ में। वीडियोज़ में आने के बाद यहाँ पर आपके बगल मिलता है शॉर्ट का ऑप्शन, देन उसके बाद मिलता है प्लेलिस्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखेंगी दो प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई हुई है, एक शॉर्ट वीडियो की, एक टेक्नोलॉजी की। इसके अंदर मैं डालता हूँ शॉर्ट्स वीडियो, इसके अंदर डालता हूँ मैं लॉन्ग वीडियो। तो इस तरह से आप अपनी चैनल पे प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियोज़ में चले जाना है और यहाँ पर किसी भी वीडियो पे तीन डॉट पे देखेंगे, राइट हैंड पे तीन डॉट आते हैं, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव टू प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए ऑलरेडी जितने भी आपने प्लेलिस्ट बना रखी है वो यहाँ पर आपको शो होती है। जिस भी प्लेलिस्ट में आप इसको डालना चाहते हैं उसमें यहाँ पर टिक करके डन कर देना और ये आपकी जो वीडियोज़ है उस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर एक न्यू प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना, देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी प्लेलिस्ट का नाम दे देना है। तो यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं अपनी प्लेलिस्ट का, जैसे कि मैंने नाम दे दिया है वीडियोस फॉर बिगिनर, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी पे चले जाना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, पहला है पब्लिक, दूसरा है अनलिस्ट और तीसरा है प्राइवेट। देखिए पब्लिक में क्या है, जब आप पब्लिक सेट करते हैं तो कोई भी इसको सर्च कर सकता है और देख सकता है आपकी प्लेलिस्ट की वीडियोज़ को। देन अनलिस्टमेंट क्या होता है कि आप किसी को भी लिंक शेयर करेंगे तो वो आपकी वीडियोस को देख पाएगा। प्राइवेट में ओनली आप ही इस वीडियो को यानी कि प्लेलिस्ट को देख पाएंगे। तो आपको हमेशा पब्लिक पे ही सेट करके रखना है, पब्लिक कर देना है, देन उसके बाद क्रिएट कर देना। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। देन उसके बाद यहाँ पर सी लिस्ट कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो हम प्लेलिस्ट में चले जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है वीडियो फॉर बिगिनर, और उसके अंदर एक वीडियो ऑलरेडी ऐड हो चुका है क्योंकि हमने इसी वीडियो से ये प्लेलिस्ट क्रिएट किया था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर और कैसे वीडियो आप ऐड करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियोस में जाना है और जिस भी वीडियो को आपको उस प्लेलिस्ट में ऐड करना है उस वीडियो पे कॉर्नर में चले जाना, थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना और देन उसके बाद सेव टू प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखते हैं वो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको क्या करना है, उसी प्लेलिस्ट पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है और डन कर देना है। डन करते ही हमारी जो वीडियो है वो हमारी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं प्लेलिस्ट में और आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वीडियो शो करने लग गया है हमारे प्लेलिस्ट में, इसमें आप क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पर हमारी जो वीडियोज है वो ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आपको अपनी प्लेलिस्ट बनानी है और उसके अंदर वीडियोस ऐड करनी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो चैनल है वो ग्रो कैसे करने वाला है। तो देखिए प्लेलिस्ट से कैसे ग्रो होता है, हम चले जाते हैं अपनी प्लेलिस्ट में, यहाँ प्लेलिस्ट में आ जाते हैं और देखिए जब ये प्लेलिस्ट जैसे मैंने बनाई हुई है, इस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐड करी है और जब भी कोई व्यूवर्स इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करता है तो उसको बहुत सारी वीडियो एक साथ मिल जाती है। वो सपोज इस वीडियो को देखेगा, देन उसके बाद ये वीडियो प्ले हो जाएगी, देन उसके बाद ये वीडियो प्ले हो जाएगी। इससे आपका जो व्यूज़ है वो बढ़ने लगेंगे और इससे आपका चैनल ग्रो भी करेगा। साथ ही आप अपनी प्लेलिस्ट को किसी भी ग्रुप में या फिर कॉपी लिंक करके कहीं भी शेयर कर सकते हैं, इससे भी आपके चैनल की रीच और व्यूज़ बढ़ते हैं। देखिए जब भी आपके चैनल की रीच बढ़ेगी या फिर व्यूज़ बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो भी करने लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाएं, उसे आप अच्छे से मैनेज करें ताकि आपको और आपके व्यूवर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका जो चैनल है वो तेज़ी से ग्रो कर सके। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।